आज सबसे ज़्यादा पेशेंट आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द के हैं। मैंने जितने भी वीडियो जोड़ों के दर्द पर डाले उन पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग ये देखना चाहते हैं कि जोड़ों के दर्द का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है। इसीलिए इसी उद्देश्य को देखते हुए, इसी मांग को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं कुछ आपको ऐसी टिप्स दूंगा जिसके ज़रिए आप आर्थराइटिस पेन और आर्थराइटिस में होने वाली सूजन से निजात पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टिप्स नंबर फर्स्ट है, आपको एलोवेरा जूस लेना है और आपको ग्लोए जूस लेना है, साथ में आंवले का जूस लेना है। एलोवेरा, ग्लोए और आंवले का जूस, इन तीनों को मिक्स करके कांच की बोतल में रख लें और 15 ml सुबह और 15 ml शाम को आपको खाना खाने से पहले यानी खाली पेट इसको लेना है। टिप्स नंबर टू, आपको सौंठ पाउडर लेना है 1 ग्राम, 1 ग्राम आपको अजवाइन लेनी है और 1 ग्राम आपको ग्लोए का पाउडर लेना है। इन तीनों को मिक्स कर लें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, यानी 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम को आपको गुनगुने पानी के साथ लेना है। यह स्वेलिंग को भी रिड्यूस्ड करता है, साथ में रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आम बात या गठिया बात में बढ़े हुए टॉक्सिन्स को भी बॉडी से रिलीज करने में बहुत हेल्प देता है। टिप्स नंबर थर्ड है, जिन लोगों को जोड़ों में बहुत ही असहनीय दर्द हो या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या लंबर रीजन में यानी कमर में दर्द हो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, उनको सुबह 2 कली लहसुन की खानी है खाली पेट और उसके आधा घंटे तक बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है। टिप्स नंबर फोर है कि आपको ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है जब तक कि आपको रिलीफ ना मिल जाए, और साथ में आपको कुछ भी खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना, जैसे दही का सेवन नहीं करना, आपको मट्ठे का सेवन नहीं करना, आपको आम के अचार का सेवन नहीं करना और आपको चावल, आपको आलू, इनके सेवन से बचना है। बैगन का सेवन आप कर सकते हैं, उससे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बेसन का सेवन नहीं करना है। तो दोस्तों ये था वीडियो आर्थराइटिस से रिलेटेड और मैं ये चाहता हूँ कि आप इन प्रयोगों को उपयोग करें और आप जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की। तब तक के लिए दोस्तों स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेट।